अस्सलाम वालेकुम, अल्फा गार्डन्स में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मुसमरी यानी बेबी सनरोज के हवाले से। बेबी सनरोज का आबाई वतन साउथ अफ्रीका है और ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसे ग्राउंड कवर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया जाता है। इसे कम नाइट्रोजनी खाद दरकार होती है, वरना ये फूल देना बंद कर देता है। अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा फूलों के लिए इसकी कटिंग लाजमी है और हर साल या दो साल के बाद इसकी मिट्टी तब्दील करना लाजमी है। इसे हर दूसरे तीसरे दिन पानी की ज़रूरत होती है, जबकि सर्दियों में पानी का वक्फा बढ़ जाता है। बेबी सनरोज की अफजाइशी नस्ल कटिंग से की जाती है और अगर आपके पास यह पौधा अवेलेबल है तो आप उससे कटिंग्स लेकर मज़ीद पौधे तैयार कर सकते हैं।